हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम छोटी मोटी चीज़ें देखने वाले हैं किसी एक्सेल फाइल में हैंडल करने के लिए, कि जैसे हेडिंग्स हैं तो उनको कैसे हैंडल करना है, थोड़ा सा NaN को भी देखेंगे कि उसको कैसे हैंडल करना है। मतलब छोटी मोटी चीज़ें देखने वाले हैं बट इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो देखते हैं क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले ये मैंने एक नेम नाम की एक्सेल फाइल बनाई है, एक्सेल है, CSV नहीं है, याद रखना, एक्सेल फाइल क्रिएट की है। तो उसमें मैंने खुद ही टाइप कर दिया। उसमें क्या है, दो कॉलम बनाए हैं मैंने, एक तो नेम है और एक एज है, ठीक है। अब नेम में तो मैंने लिख दिया, ये सारे नाम लिख दिए हैं मैंने, आप देख सकते हो, और उन सबकी एज लिख दी, ये मेरा डेटा है। अब इसमें लेकिन एक चीज़ गौर करना, जैसे प्रफुल 20 है, मोहित 19 है, सचिन 16, आदित्य 20, अवलीन 18, ठीक है। अब यहाँ पर मृदुल में एन डॉट ए डॉट मतलब अवेलेबल नहीं है, और फिर नीचे एक और डेटा में मैंने नेम में भी क्या लिख रखा है, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल लिख रखा है, और यहाँ पर 19 लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारी पूरी फाइल है, ठीक है, ये फाइल मैंने आपको दिखा दी। अब क्या करने वाले हैं, अब हम कोडिंग करने वाले हैं इसमें। अच्छा, ये पहले से शायद एक कोई फाइल खली है, तो उसको भी मैं बता देता हूँ, इनको अपन हटाते कैसे। अगर पहले से हमने कुछ कर रखा है तो कंट्रोल शिफ्ट पी दबा दोगे अगर आप, फिर यहाँ पर क्लियर ऑल सेल्स आउटपुट लिखोगे, तो ये क्या करेगा, सारे सेल्स के आउटपुट हटा देता है। क्या करता है, सारे सेल्स के आउटपुट हटा देता है। मैंने क्या किया कि पांडास इम्पोर्ट कर लिया, ये हमें पता ही है कैसे करते हैं। फिर उसके बाद मैंने क्या किया हुआ है, उसके बाद मैंने df में pd.readExcel, ये CSV फाइल नहीं है इसलिए हमने कौन सा मेथड लगाया है, रीड एक्सेल, और फिर मैंने लिख दिया, और ये हमारी फाइल का नाम नेम डॉट एक्सेल एस एक्स, ये लिखना पड़ता है, ठीक है, एक्सेल फाइल है इसलिए ये एक्सेल फाइल है। इसको मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ एक बार, तो आप देख सकते हो मेरी एक्सेल फाइल जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा फ्रेम में स्टोर हो चुकी है, ऐसा हमारा डेटा फ्रेम कुछ दिख रहा है, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मैं एक बार अपनी फाइल खोलता हूँ पैरेलली, ये मैंने खोल ली फाइल, यहाँ पर मैं एक रो इंसर्ट कराता हूँ, इसमें मैं केवल इस रो में लिख देता हूँ डेटा, ठीक है, मैंने लिख दिया, और इसके बाद मैं फाइल को कर देता हूँ सेव, फाइल को मैंने क्या कर दिया सेव, और इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार। इसको कॉपी करने के बाद जब मैं एग्जीक्यूट करूँ इसको, तो आप देख सकते हो जो हेडिंग है वो हमारी नेम और एज थी, बट मैंने एडिट करके क्या कर दिया था, यहाँ डेटा दे दिया था पहले कॉलम में, तो इसने डेटा एंड अननेम्ड वन ये हेडिंग दे दी, और हमारी जो पूरी फाइल है वो लगभग गड़बड़ हो चुकी है, क्योंकि इसने जीरोथ इंडेक्स पर नेम एज लिख दिया, मतलब सब कुछ गड़बड़ हो गया ना। तो ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा कि हमारा हेडर किस लोकेशन पर है। तो हम कैसे बता सकते हैं, मैंने कॉमा लगाया, यहाँ पर लिखा हेडर, देन लिख दिया वन, मतलब जो मेरा हेडर है वो फर्स्ट रो से स्टार्ट हो रहा है, मतलब जीरो रो जो है उसको हटा दो, वो नहीं, हेडर फर्स्ट रो पे है। अब जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो आप देख सकते हो हमारा डेटा फ्रेम बिल्कुल सही फॉर्म में आ चुका है, बिल्कुल सही फॉर्म में आ गया है, हेडर इसने ये नेम और एज ले लिया। तो चलो, एक चीज़ हमने हैंडल करना सीख ली, ठीक है, ये हमें समझ में आ गया कि हेडर हमें किस लाइन से बनाना है। अब इसको मैं ज़रा डिलीट करता हूँ, ठीक है, और जो हेडर है नेम और एज मैं इसको भी डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने डिलीट कर दिया। अब सेव करते हैं फाइल को, उसके बाद सेव के बाद यहाँ पर जस्ट, तो ये तो हमारी नॉर्मल फाइल आ गई। अब इसको मैं ज़रा रीड करके देखता हूँ कि ये कैसे हो रही है। तो इसने जो फर्स्ट था मेरा प्रफुल एंड एज 20 उसको बना दिया हेडर, तो ये भी गड़बड़ हो गई, इसमें हमारा कोई हेडर है ही नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कॉमा देके हेडर इक्वल्स टू नन, तो हमारी फाइल का जो हेडर हमने क्या बता दिया कि नन है, कोई हेडर ही नहीं है, तो ये डिफ़ॉल्ट 0 एंड 1 दे देगा, यहाँ पर 0 एंड 1 दे देगा, ठीक है, क्या दे दिया इसने 0 एंड 1, ठीक है, ये बात भी हमको समझ में आ गई। अब लेकिन हमें हेडर का नाम पता है, वो खुद देना है, तो कैसे देख सकते हैं, कॉपी करो इसको, यहाँ तक ठीक है कि हेडर नन हो गया। अब हमें अपने कॉलम्स का नाम पता है, तो हम एक एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं नेम्स, और नेम्स मैंने अपने कॉलम का नाम दे दिया, कॉलम्स का क्या नाम है, पहले वाले का नेम है, दूसरे वाले का एज, ये मैंने नाम दे दिया, ठीक, इसको एग्जीक्यूट कराया, तो आप देख सकते हो फिर से बिल्कुल राइट फॉर्म में आ चुका है हमारा डेटा फ्रेम, नेम एज और ये पूरा हमारा डेटा आ गया। अब हम जो चीज़ हैंडल करने वाले हैं वो तो एक है ये NA एंड एक है ये नॉट अवेलेबल, इसको
पहले हम हैंडल करने के लिए क्या करना चाह रहे हैं, हम स्टार्टिंग में ही जब फाइल रीड कर रहे हैं तभी हैंडल करना चाह रहे हैं, बाद में भी हैंडल कर सकते हैं वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे, काफ़ी सारे मेथड हैं। तो पहले केवल जैसे हम रीड करते में ही हैंडल करना चाह रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो मैं अपने एक्सेल फाइल को सही फॉर्म में ले आता हूँ जैसे कि हमारी थी। एंड उसको रीड करता हूँ मैं, तो ये रीड कर ली, ये हमारी पूरी एक्सेल फाइल आ गई। लेकिन यहाँ पर दिक्कत कहाँ आ रही है, एक तो ये एन डॉट ए डॉट है और एक है ये नॉट अवेलेबल। तो इसको रिप्लेस अगर करना है तो सबसे पहले तो हम कैसे रीड करेंगे अपनी फाइल को, ये मैंने लिख दी अपनी फाइल पी डी डॉट रीड एक्सेल में, यहाँ पर मैं कॉमा लगाऊंगा और यहाँ लिखूंगा मैं एन ए वैल्यूज़ इक्वल्स टू। एन ए वैल्यूज़ इक्वल्स टू में मैं क्या बता रहा हूँ कि जहाँ भी एन डॉट ए डॉट या तो ये मिले कॉमा लगा के नॉट अवेलेबल, अगर ये दोनों चीज़ें मिलती हैं हमें इसका मतलब है वहाँ पे डेटा अवेलेबल नहीं है, तो उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, एन ए एन से। तो अगर हम ऐसे रीड करेंगे तो जहाँ पर भी एन ए एन डॉट ए डॉट मिलेगा या फिर नॉट अवेलेबल मिलेगा उसको वो एन ए एन से रिप्लेस कर देगा। तो एक बार देखते हैं, तो देखो यहाँ पे नॉट अवेलेबल था यहाँ भी एन ए एन आ गया और जहाँ पर एन डॉट ए डॉट था वहाँ भी एन ए एन आ गया। तो ये हमने सीख लिया, काफ़ी कुछ चीज़ें सीख ली हैंडल करने वाली। सो इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स।